हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, G20 समिट हो चुका है और मोदी जी बोल रहे हैं कि नवंबर में वर्चुअल रिव्यू मीट करेंगे, रिव्यू करेंगे चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की थी उनके ऊपर, प्रोग्रेस कितना हुआ, क्या हुआ। और वर्चुअल क्यों, अब देखो मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा ना, 4,500 करोड़ रुपया 2 दिन के लिए फिर से लगाएंगे क्या, चलो देखते हैं। द G20 अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी शुड कन्वे वर्चुअली टूवर्ड्स नवम्बर एंड टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस मेड ऑन द प्रपोजल रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर 9 to 10 समिट। 2 दिन का था ये, 9, 10, 10, आज 11th है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड हेयर ऑन संडे, मिस्टर मोदी हैंडेड ओवर द सेरिमोनियल गेवल टू ब्राजील्स प्रेसिडेंट लुइज लुला दा सिल्वा। तो अगले साल G20 अब ब्राज़ील में होगा, इसलिए इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स चेयर टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ G20 इन ब्राज़ील। देखिए, इन दिस टू डेज ऑल ऑफ यू हैव पुट फोर्थ मेनी थिंग्स, गिवन सजेशन दैट हैव कम फॉरवर्ड टू सी हाउ देयर प्रोग्रेस कैन बी एक्सेलरेटेड। आई प्रपोज दैट वी शुड होल्ड अनदर वर्चुअल सेशन ऑफ द G20 समिट एट द एंड ऑफ नवम्बर, मिस्टर मोदी सेड एक्सप्रेसिंग होप that the goal of G20 will be further advanced during the upcoming presidency of Brazil. The virtual meeting will be held at the end of Indian presidency in November. The Delhi summit witnessed the high point of admission of African Union as a new G20 member. This was followed by the personal announcement by Prime Minister Modi on a joint declaration of a summit, which was adopted through consensus over coming sharp differences among members regarding the Ukraine crisis. Soon after he declared the end of the summit, Mr. Modi held a series of meetings with visiting leaders that included German Chancellor Olaf Scholz, President Lula da Silva, President of the European Commission Ursula von der Leyen, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून। देखो भाई, नाम कुछ गलत से ही बोल रहा हूँ तो उसके लिए पहले से माफ़ी, इतना मेरे को पढ़ने नहीं आ रहा इन लोग का नाम। अब आफ्टर द प्रेसिडेंट एर्डोगन, मिस्टर मोदी सेड वी टॉक्ड अबाउट वेज ऑफ फर्दर सीमेंट ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस बिटवीन इंडिया एंड टर्की। रिगार्डिंग द डिस्कशन एट द समिट इन द लास्ट सेशन, डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रुते सेड द एजेंडा इंक्लूडेड digitization and artificial intelligence. It's crucial that we join together at international level to adopt rules on this. किसके ऊपर रूल्स आपका, इसके ऊपर डिजिटाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम कोई प्रॉपर रूल पे आए, तो ये उन्होंने बोला है। सो दैट दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज सेफली एंड इंक्लूसिवली इन आवर सोसाइटीज। अ वर्किंग सेशन दैट आई टुक पार्ट इन वॉज डिवोटेड बाई इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस रन स्मूथली, ऐसा रूते साहब ने बोली है। मिस्टर मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हेल्ड अ बायलेटरल मीटिंग ओवर लंच, आफ्टर विच बायलेटरल मीटिंग हुई है लंच के बाद, आफ्टर विच अ जॉइंट स्टेटमेंट वॉज इशूड टू इन्फॉर्म दैट इंडिया एंड फ्रांस विल कोलेबरेट इन इंडो पैसिफिक एंड अफ्रीका इन अफ्रीका इन एरिया सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। बोथ प्रेसिडेंट, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अफ्रीका, तो इस इन दोनों को मीट करेंगे। सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी, इसको मीट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफ्रीका के साथ मीट कर दीजिए। कनेक्टिविटी हम बना ही रहे हैं अभी। बायोडाइवर्सिटी, कैसे उसको इनरिच हो, कैसे उसको एड्रेस करें, तो ये सारी इशू फ्रांस के साथ हमारा, इसके इसमें हम फर्दर कोलेबरेट करेंगे फ्रांस और इंडिया। Both President Erdogan and President Macron addressed press conference in the media hall and assured assistance to the earthquake hit Morocco. जैसे मोरक्को में रिसेंटली अभी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बता दिया है हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। मिस्टर मैक्रोन reiterated to the call for a just and lasting peace in Ukraine in a line with the UN Charter. He also called for deep reform of the global governance structure, including the United Nations, World Bank and the International Monetary Fund IMF, जिसको हम लोग कहते हैं। मिस्टर मैक्रोन एंड मिस्टर एर्डोगन अप्रिशिएटेड द लॉन्च ऑफ द इंडिया
मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट विल इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ रोड्स पोर्ट्स एंड मेरीटाइम रूट्स. मिस्टर एर्डोगन ऑन हिज पार्ट एडेड दैट द ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव विल गेन बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ इराक, कि इराक होगा तो और अच्छा रहेगा. फॉलोइंग द मीट विद द प्रेसिडेंट एजली असोमानी ऑफ कोरोमोस हु बिकम द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन टू सिट एट अ G20 समिट आफ्टर द अफ्रीकन यूनियन वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडे. मिस्टर मोदी सेड कोमोरोज वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज मेरीटाइम विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ही सेड दे डिस्कस्ड वेज टू इन्हेंस कोऑपरेशन इन एरिया लाइक शिपिंग ट्रेड एंड मोर. एट द एंड ऑफ द समिट मिस्टर मोदी ग्रीटेड द मीडिया पर्सनल एट द मीडिया हॉल लोकेटेड अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन वेन्यू ऑफ द समिट. अर्लियर इन द डे द लीडर विजिटेड राजघाट एंड पेड ट्रिब्यूट टू मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी. तो देखते हैं हमारे लिए इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. देखिए सबसे पहले तो जस्ट अ सेकेंड, बहुत पतला हो गया ये. सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही होता है कि समिट G20 हो गया अच्छे से, और शायद G20 शायद क्या ऑब्वियसली G21 हो गया है, तो ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है. हमने किसको ऐड किया है, 55 कंट्री वाले अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया है. थर्ड आप देखिए जितने कंट्रीज़ का इन्होंने बताया है, अब वो हमें लोकेशन वाइज तो लोकेशन तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. एंड इस आर्टिकल में देखिए कोमोरोज, मेरे को इसका मुझे भी नहीं पता इसका लोकेशन, मैं चेक करूँगा वीडियो बनाने के बाद. कोमोरोज चेक करना है एंड अफ्रीकन यूनियन ठीक है. सागर, सागर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सागर ये क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये बात हो जाती है इसकी. अब देखिए वेज टू इन्हेंस कोऑपरेशन, यहाँ पे शिपिंग ट्रेड और मोर की बात हो रही है कोमोरोस के साथ, और सागर इनिशिएटिव इंडिया का है. एंड सिक्स मोहनदास करमचंद्र गांधी बापू हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सब लोग गए थे राजघाट और इनको ट्रिब्यूट पे किया है, तो गांधी जी इम्पोर्टेंट होते हैं. और हमारे लिए देखिए शॉर्ट नोट ऑन AI प्लस क्रिप्टो प्लस डिजिटल इंफ्रा, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. कहीं भी एसे से लेके आंसर राइटिंग से लेके और कहीं पे बोलने से लेके हमें शॉर्ट नोट एज इन है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, शॉर्ट नोट में बस इतनी चीज़ें आएंगी, तो इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं. और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है. और एक चीज़ जो हमसे छूट रही थी, जो G20 मीटिंग आपकी होगी कब की, 2024 में, वो होगी आपकी ब्राज़ील में. ब्राज़ील आप साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है एंड अमेजोन फॉरेस्ट है यहाँ पे, अरे अमेजोन रिवर है और आपका इनका फॉरेस्ट है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है. लंग्स ऑफ द अर्थ, तो एक बार इसके लोकेशन इसका फिज़िकल मैप प्लीज़ देखिए अच्छे से, और बस हमारे लिए इसमें इतने इम्पोर्टेंट है. और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, इंडिया इतने अच्छे से G20 करवा कर दिया, पूरा हो गया, और उसके बाद इतने अच्छे से इनिशिएटिव बायलेटरल मीटिंग्स में लिए जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं फ्रांस और इंडिया का हुआ, एनर्जी बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इतना अच्छा कर रहा है. और आप भी प्लीज़ बहुत मेहनत करिए, आप भी बहुत अच्छा करिए, एंड वर्क हार्ड अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.